अयोध्या के तहसील सदर सभागार में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से राष्ट्रीय पोषण माह के मौके पर एक पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं और अनुपूरक पोषाहार से बने व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभाग की योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही राष्ट्रीय पोषण माह के कुशल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें बाल विकास विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बताते चले कि बाल विकास परियोजना शहर पूरा बाजार और माया बाजार की तरफ से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी मीनाक्षी पांडे ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी पूरे सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी थीम इस बार सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत है। इस पूरे माह बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से अन्य विभागों के सहयोग से महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण को दूर करने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह चलेगा और उसी पोषण माह का उद्घाटन है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं, जीरो से छः वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य का और पोषण का ध्यान रखना और उनका वजन लेना, उनके वजन के साथ साथ उनकी लंबाई नापना, उसी के आधार पर देखना कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, और इस कार्य को बहुत तेज़ी, इस कार्य में तेज़ी लाने के लिए पोषण माह शुरू किया गया है, जिससे कि कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण हो सके और गर्भवती महिलाओं में स्तनपान कराने को लेकर जागरूकता, साथ में वो अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से स्वस्थ ठीक रख सकती हैं उसके लिए जागरूकता, किस प्रकार स्थानीय फलों और सब्जियों के माध्यम से उनके स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को लेके एक पोषण माह की शुरुआत की गई है, जिसे स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा और अन्नप्राशन गोद भराई गतिविधि, साथ में रैली निकालने के माध्यम से, स्कूल स्कूल में जाके जागरूकता फैलाने के माध्यम से उनको जागरूक किया जाए, अपने समाज को स्वस्थ बनाया जाए।